हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। दिस इज़ आशीष, आपका अपना आशीष। आज जो है चुनाव का दिन 19 अप्रैल हमारे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, रोशन और मैं जाने वाले हैं अभी। हमारा एक कवरेज आज का ऐसा है कि हम लोग कवर करने वाले हैं कि चुनाव का मतलब यह है कि हम लोगों ने वोट करा और पूरे दिन भर हम अपनी फैमिली के साथ में कोई मूवी चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। लेकिन कुछ हमारे चुनावी योद्धा ऐसे हैं जो जिनके लिए वोटिंग का मतलब होता है कि जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसको संपूर्ण करने में अपना कॉपरेशन देना, सहयोग देना। इसमें सरकारी लोग भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। तो हम ट्राई करेंगे सब लोगों से बात करने का। तब तक बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए मीटअप मैनिया। तो भाई फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं अपने शूट के लिए, और एक बार चेक करो भाई, बिल्कुल सारी शॉप्स वगैरह जो है ना बंद ही पड़ी है, मतलब रोड की पूरा बंद पड़ा है इस टाइम। और ऐसा लग रहा है जैसे होली पे था, कोविड में था, कोविड और होली के टाइम। लेकिन ये भी है, जैसे भी कोई मतदान केंद्र आता है तो वैसे ही भीड़ बढ़ जाती है जो बूथ लगे हुए आस पास। बहुत ही कॉलेज में भी वोट वगैरह डल रही है, भीड़ लग रही है। और हम जा रहे हैं अभी देहरादून रोड पे, एक हम बात करने जा रहे हैं अभी किसी से। सामने हमारा ऑफिस भी आ गया, ऑफिस भी दिखा दो। ये हमारा ऑफिस है भाई, विजयलक्ष्मी। तो भाई चलते हैं फिर, और मिलते हैं फिर थोड़ी देर, देखते रहिए। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं 26 नंबर। हमारा बूथ है प्रीत विहार जन निगम का। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं बूथ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कितना चल रहा है और शाम को 5 बजे तक कितना होने की उम्मीद है। तो स्वागत कर लेते हैं अपने हरीश शर्मा जी का। हरीश शर्मा जी स्वागत है मीटा कहने का आपका। धन्यवाद। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आप इस बूथ पे हैं, कब से शुरू हो गया था इस बूथ का कार्यक्रम? 5 बजे आ गए थे पहले वोट होने के बाद में अभी लगभग 1:30 बजने वाला है। तो क्या यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज क्या हो गया है? वोटिंग परसेंट मेरे ख्याल से 25-30% 30%। और शाम को 5 बजे तक इस बूथ में 24-25-26 और शाम को 5 बजे तक हमारी 26 है। आप इनसे बात कर सकते हैं, 24 वाले बैठे हैं, 25-26 वाले बैठे हैं, 30% ही लगा टोटल। तेईस बूथ नंबर है। तो एक बार बाबू से बात करेंगे, 40% लगभग ये अनुमान है कि रुड़की की तरफ से जो वोटिंग रहेगी रुड़की विधानसभा क्षेत्र से 50-60% होने की उम्मीद है। तो गाइस हमने सोचा कि सब लोग अपना अपना जो वोटिंग के बाद अपने काम पूरे कर रहे हैं, तो फिर हम भी अपना एक थोड़ा सा पेंडिंग वर्क है हमारा वो पूरा कर रहे हैं। इसमें यह है कि आज हमारा फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन है उसे हम करने वाले हैं क्लीन, क्योंकि नॉर्मल डेज में टाइम नहीं लगता, संडे को भी टाइम नहीं होता। तो मेरे ये फ्रीडम है। तो भाई अभी देखो यहाँ की जो कंडीशन है ऊपर की दिख रही होगी आपको, मतलब ऐसी कंडीशन हो रखी है अभी थोड़ा सा। तो ये हमें सारा क्लीन करना है अभी समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें क्योंकि इतना सामान है, कहाँ कैसे लगाना है समझ में नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। और भी काफ़ी हो रही है, मतलब घास हो रही है बहुत ज़्यादा। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अभी आपने देख लिया कैसा है, बाकी अब आप दिखाएंगे क्लीन होने के बाद कैसा लगेगा, तो देखते रहिए। अभी गाइस फाइनली हमने ट्राई करा इसको साफ करने का, लेकिन 50% हमारा क्लीन हो गया है। थोड़ा सा देखते हैं क्या सामान काम का है, क्या काम का नहीं है। बस हो गया हमारा आज का, और अभी हम जा रहे हैं, बस हो गया हमारा डन। अभी आपको इलेक्शन डे की हमारी 19 अप्रैल में हमारा यहाँ का वोटिंग था प्रथम चरण में। अभी 4 चरण और बचे हुए हैं, तो 4 जून को वेट करते हैं। अभी आज सब लोगों के जितने भी उम्मीदवार थे सबकी किस्मत हो चुकी है हमारी ईवीएम में कैद। और यह है कि हमने ट्राई करा बहुत सारे मतदान केंद्र पे बात करने का, लेकिन यह है कि काफ़ी जगह रिस्ट्रिक्शंस होती है। जो अपना पोलिंग बूथ है वहाँ पे 80-100 मीटर में जो है कैमरा या किसी भी तरह की वीडियो फुटेज शूट करना अलाउ नहीं होता। लेकिन यह है कि हमने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास करा है,
बस यही था कि एक छोटा सा प्रयास था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहिए मीटअप मैनिया। धन्यवाद।